हेलो एवरीवन, आज ये एनालाइजिंग पार्ट है और आगरा में इस समय इतनी गर्मी है कि मैं आपको बता नहीं सकती और मेरे हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन सबका आ रहा है क्योंकि सबको ना इंतज़ार रहता है कि इंक्वायरी भेजिए उसका आंसर क्या होगा। सो, आज मैं चार्ट टू द पॉइंट ही आंसर, वैसे भी मैं टू द पॉइंट ही देती हूँ, कभी मैं डीप एनालाइज नहीं करती चैनल पर, तो आज जो जिसके क्वेश्चन है उसका आंसर देने जा रही हूँ। इससे पहले मैंने योग सीरीज़ शुरू करी थी तो वो कि आप लोग मुझे सुने, और सबसे पहला चार्ट है 24/6/1984 7:45 PM नागपुर महाराष्ट्र। तो आपकी है अभी आपका आपकी आई चलाई है बस, और मैरिज आप सोच समझ के करें, और दूसरी बात है आपका कब अच्छा होगा, तो गुरु की महादशा से आपका अच्छा होगा। अभी भगवान आपका हाथ भी नहीं रोकेगा लेकिन कुछ अच्छा भी नहीं है, बस इतना ही कि आप हालात से बाहर निकल आओगे और कुछ भी नहीं आ रहा। आगे चलते हैं, 4 जुलाई 1996 2 PM पाकिस्तान गुजरात। शादी कब होगी? देखिए मैं बार बार, मतलब हमारे तो काफ़ी पद्धतियां हैं एस्ट्रोलॉजी में, हम किसी का भी, लेकिन मैं एक ही पद्धति से चलूँ के भी और कौन शादी करवा रहा है। तो 5 नवंबर के बाद आपकी इच्छा है शादी हो जाए, लेकिन शादी होने के लिए लड़के का आना बहुत ज़रूरी है, फैमिली को पसंद आना चाहिए। 11th हाउस आपकी इच्छा, 11th हाउस जो आपकी इच्छा को पूरी कर दे। तो मैंने बहुत दूर तक देखा आपका ऐसा पूरा कॉम्बिनेशन है ही नहीं, तो लेकिन बहुत कम टाइम के लिए अभी बना है, 11/5/2019 से लेकर 27/7/2019 तक। तो मेरा हमेशा यही मानना है इतने छोटे समय में हम इतनी जल्दी डिसीजन नहीं ले सकते क्योंकि ज़िंदगी का बहुत बड़ा फैसला करना है। तो मैं आपके लिए सॉरी इसलिए कह रही हूँ क्योंकि प्रॉपर कन्वेंशन नहीं मिलती तो मैं कुछ नहीं बोलती, और मुझे झूठ बोलना आता नहीं है ना मैं बोलती हूँ झूठ। तो अब मैं तो ये कह सकती जब होनी होगी तब हो जाएगी, 5 नवंबर बाद गुरु की दृष्टि है आपके पति पर, तभी कोई अच्छा रिश्ता आता है तब, बट पूरी कंजंक्शन है ही नहीं बोलने में, और अगर है तो बहुत लेट है, तो इतनी लेट कोई मैरिज करेगा नहीं। सो इच्छा है 3rd हाउस में गुरु आपकी शादी करवाएंगे, तो 5 नवंबर के बाद योग है, लेकिन अभी जो कंजंक्शन मिल रही है 2/7/11 की, वो इसी समय 3 महीने के लिए मिल रही है, यानी महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा तक मैं गई हूँ, उसमें ये कॉम्बिनेशन आया है। तो आपके लिए भी मेरी तरफ से सॉरी है, तो सोच समझ कर शादी करिए, आपका और उसको ठीक नहीं है। चंडीगढ़ मैरिज और प्रोफेशनल और सेटलमेंट। देखिए इनका हाथ कभी भी नहीं रुका, वर्ल्डली कष्ट है और जितना भी कमाएगा हमेशा के लिए राहु खा जाएगा, राहु भी इसी इनकम का स्वामी है ना सूर्य, तो वो तो कोई भी नहीं बदल सकता, लेकिन आप अपने बेटे से दूर हो जाओ, जब तक आ हो इसका बिल्कुल ही कुछ नहीं हो सकता। तो मैरिज के लिए सबसे पहले, क्योंकि मैं हमेशा मैं कहती हूँ मैरिज करी किससे है, आपने अपने बेटे की भेज दी किसके साथ रह सकते, कभी लाइफ स्मूथ नहीं, क्योंकि मंगल शुक्र लगन पे बैठे, जिसके घर में मंगल और शुक्र माल में योग भंग हो गया तो अपनी पत्नी से जैसे बोलेगा तो योग ही खराब हो जाते हैं। आप किससे शादी करिए, किस पंडित ने मिलाई है, बाद में हम सिर्फ क्या क्वेश्चन लगाते रह जाते हैं लेकिन आंसर नहीं मिलता। लेकिन मैं हमेशा किसको अच्छा मानती हूँ, आई चलाई को, और बुरा किसको मानती हूँ जहाँ कोई इनकम ही नहीं है, कोई प्रॉफिट ही नहीं है, और कुछ लोग कहते हैं कि सिर्फ पैसा पैसा ही ज़रूरी है, ये क्या आप किताबी बातें रह गई, नहीं ये नहीं वो, मैं तो चारों तरफ एक ही चीज़ देखती हूँ पैसा, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, और मतलब इनकम है तो राहु खा रहा है, और मैरिज लाइफ में हमेशा डिस्टर्बेंस रहेगी, वर्ल्डली कष्ट है आपका बच्चा, आपको क्या करना है अपने से दूर करना है, तब थोड़ी सी इसकी लाइफ में सेटलमेंट आएगी। बाकी और क्या आई जुलाई है, ये इसका थोड़ा सा ठहराव आएगा 30/1/2025 में, जहाँ थोड़ा जाना बंद हो जाएगा आना शुरू हो जाएगा, बस ये, बाकी जितना आ रहा है उतना जा रहा है, जितना जितना आएगा वो भी चला जाएगा, तो उसको कोई नहीं बदल सकता। आगे 24/9/1971 शाम 7 बजे मुजफ्फरपुर बिहार, अकेले जी रहे हैं
और हमारा कोई मार्गदर्शन है। सबसे पहले आप अपने में क्या सुधार करके बैठे हो, आप कभी नहीं सुधर सकते। आपका साम्राज्य खत्म हो चुका है 22/1/2016, अब कुछ नहीं है इसको लेकर। लेकिन आपने मार्गदर्शन पूछा, ओम नमो नारायण, बुद्धि दी शक्ति। मैं आपको बोल रही हूँ आप सुधर तो नहीं सकते, लेकिन गुरु का काम है मैसेज देना, क्योंकि मेरा भद्रा योग है, अगर नहीं दिया तो मेरी पनिशमेंट फिर लग जाएगी। लेकिन ठीक है, आप लोगों ने अपने कार्मिक अकाउंट खुद ही क्लियर करने, अपने आप को खुद ही चेंज करना है, कोई आपके आप को बदल नहीं सकता। ये आपने बदलना अपने आप को, अपनी कमियों को, क्योंकि यहाँ मैंने क्या बोला, मैं किसी का सीक्रेट रिवील नहीं करूँगी। आप कैसे हो मैं जानती हूँ, आपने दिए मैं यहाँ बैठ के जानती हूँ कौन कितने पानी में है। लेकिन मुझे शो ऑफ नहीं करना, मुझे कितना आता है, मैंने कितनी पढ़ाई कर रखी है, टू द पॉइंट बात करती हूँ और टू द पॉइंट आंसर देती हूँ। जब कोई पर्सनल पेड कंसल्टेंसी लेता है मैं तभी बताती हूँ कि क्या चल रहा है। आपके क्वेश्चन का आंसर है, आप ओम नमो नारायण का पाठ करिए, आपकी ज़िंदगी निकल जाएगी, इसमें कुछ नहीं है। सो तो आज हमारे 5 चार्ट पूरे हो चुके हैं, जितनी मेरे पास इंक्वायरी आ रही है, थोड़ा हेल्थ इश्यूज़ है, मे बी मैं लेट कर लूँ या लेट हो जाए, तो प्लीज़ आप पेशेंस बना के रखें, मेरे चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और सबसे पहले वीडियो सुनो, वो बहुत ज़रूरी है। तो अगली बार मिलते हैं अगले वीडियो पर। बाय।